हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ के मिडिल ईस्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संजीव कौशल और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे सारे व्यूवर्स जो कि इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सभी को आई रिक्वेस्ट कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि कभी भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें यू विल बी नोटिफाइड अबाउट दिस। एंड आज का टॉपिक इज माल्टा वर्क परमिट। वर्क परमिट के लिए हम काम कर रहे हैं, आपको जैसे पहले भी पता है, बहुत सारी पहले भी अपने वीडियो देखी हैं, वी आर डूइंग फॉर माल्टा, पोलैंड एंड सम टाइम दूसरा कंट्रीज आते रहते हैं। जैसे अभी इटली का सीजनल वीज़ा आएगा, जनवरी फरवरी मार्च इन महीनों के अंदर आता है, सो विल डू फॉर दैट आल्सो। और ये भाई साहब का स्टोरी था, इनको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लेटेस्ट जो है माल्टा का वर्क परमिट ये आपको शो करना चाहता हूँ। सो इनको मिल गया है सक्सेसफुली, पूरी स्टोरी क्या है इनकी ये खुद बताएंगे, मैं भी बताता हूँ थोड़ा। इनका डिपेंडेंट वीज़ा था, यहाँ पे एज ए एम्प्लॉय नहीं काम कर रहे, इनकी फैमिली है तो ही इज़ कॉल्ड द डिपेंडेंट वीज़ा। उससे पहले ये यहाँ पे एम्प्लॉय थे 2 साल, तो अभी इनका करंट सिचुएशन ये था। जॉब इनको कैसे मिला ये सारी चीज़ें खुद बताएंगे, थोड़ा थोड़ा सर भी बता सकते हो। जॉब मैंने खुद सर्च किया था, कंपनीज में मैंने सब जगह पे CVs भेजे थे, तो वहाँ से मुझे कॉल आया था। उसके बाद ऑफर डिस्कशन हुआ, ऑफर फाइनल होने के बाद में उन्होंने मुझे ऑफर लेटर भेजा था। ऑफर लेटर के बेसिस पे वीज़ा के लिए प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो करके, आइडेंटिटी माल्टा से एक अप्रूवल चाहिए होता है, वो उन्होंने मेरा डॉक्यूमेंट सब जमा करने के बाद वो आइडेंटिटी माल्टा से वो पेपर मंगाया, पेपर आया। उसके लिए अराउंड टू एंड हाफ मंथ्स थ्री मंथ्स लग गया। मेरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था मार्च में, एंड ये जो डॉक्यूमेंट है ये मुझे मई थर्ड मई फोर्थ ऐसा आया था। उसके बाद वो पेपर आने के बाद 6 मंथ्स का टाइम होता है आपके पास, जो उसके अंदर आपको माल्टा में एंट्री करना होता है। तो प्रोसेस वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट करने के टाइम मैं यूट्यूब वीडियोस सब सर्च कर रहा था कि हु इज़ बेस्ट एंड हु कैन हेल्प मी आउट। सो इनका नेट पे मिला अकाउंट एंड मैंने सर्च किया और भी वीडियोस गो थ्रू किए। उसके बाद पर्सनली इधर शारजा में आके इनको मिला, तो इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट दिए थे मुझे, वो डॉक्यूमेंट्स पूरा मैंने चेक किया, चेक करके आई सबमिटेड ऑल दैट डॉक्यूमेंट्स। तो इन्होंने मुझे एक फाइल बना के दिया विच वॉज़ यूज एट VFS फॉर द वीज़ा। पासपोर्ट था, उसके बाद में एमरेट्स ID, वैलिड वीज़ा एंड फोटोग्राफ, और फिर कंपनी का जो डॉक्यूमेंट्स है वो कंपनी की तरफ से आपको लेना है अगर आप डायरेक्ट खुद से कर रहे हैं तो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एकोमोडेशन का डिटेल्स हो गया, एंड बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है कंपनी से रिलेटेड वो आपको वहाँ से लेना पड़ेगा। ये सब लेके फाइल जमा करना पड़ता है VFS में। सो VFS में जमा करने के पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तो अपॉइंटमेंट वॉज टेकिंग टाइम बिकॉज अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था डायरेक्टली, इट वॉज ऑन 2 महीना 3 महीना 4 महीना वेटिंग दिखा रहा था, एंड बहुत टाइम तो अवेलेबल भी नहीं था। एंड सरप्राइजिंगली आई गॉट द अपॉइंटमेंट फॉर ऑगस्ट। तो अपॉइंटमेंट मिलने के बाद फिर मैंने फाइनलाइज किया फाइल, जिसमें इंश्योरेंस और ट्रैवल टिकट्स, होटल बुकिंग मुझे नहीं लगा बिकॉज कंपनी ने मुझे एकोमोडेशन प्रोवाइड किया है, उसके लिए वो नहीं लगा। सो उसके बाद अगस्त में मेरा डेट आया, जिस दिन वहाँ पे VFS में जाके फाइल जमा किया। फाइल जमा करने के लिए अराउंड 480 दिरहम्स उन्होंने चार्ज किया, 1000 दिरहम्स अप्रॉक्सीमेटली 1000 दिरहम्स मुझे चार्ज किया था, जिसमें इंश्योरेंस और ये भी था। सबमिशन होने के बाद में इट टुक अराउंड 21 डेज फॉर माई वीज़ा, एंड वीज़ा प्रिंट होके आ गया। बहुत अच्छा, इन्होंने पूरा डिटेल ऑलमोस्ट दे ही दिया है, जस्ट एडिंग लाइट ऑन इट पूरा प्रॉपर, फिर से मैं आपको अच्छे से और ज़्यादा डिस्क्राइब कर दूंगा। इन्होंने जॉब खुद फाइंड आउट किया, तो आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन इट कि आप कैसे खुद घर पे बैठ के विदाउट पेइंग टू एजेंट्स, विदाउट पेइंग टू कंसल्टेंट, कैसे आप अपनी जॉब फाइंड आउट कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और यहाँ पे ऊपर आपको आई सेक्शन में भी मिल रहा है, अगर आप कैसे जॉब फाइंड आउट करना है खुद अपने आप वो भी आपको पता करना है। और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप जॉब सर्च कर सकते हो बिल्कुल फ्री, जैसे इन्होंने फ्री में जॉब सर्च किया है, तो आपके पास में भी ऐसी ऑप्शन है कि आप घर बैठे खुद विदाउट पेइंग टू एनीबडी आप फ्री में जॉब सर्च कर सकते हो। जॉब सर्च करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको थोड़ा पेशेंस करना पड़ेगा, इनको जैसे 3 महीना लग गया, सो 2 to 4 months का टाइम मिनिमम लग जाता है, मैक्सिमम इज 4 months, मिनिमम इज 2 महीने, ये डिपेंड करता है आपकी वहाँ की कंपनी के ऊपर, वहाँ की कंपनी कितनी फास्ट है, कितनी बड़ी है, उसका कितना अच्छा डॉक्यूमेंटेशन का काम है, और आइडेंटिटी माल्टा में रश कितना है, ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं टाइम ड्यूरेशन के ऊपर। जब ये सारी चीज़ें प्रॉपर कैलकुलेट हो गया, आपको 2 या 4 महीने में कॉन्ट्रैक्ट पेपर जिसको बोलते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट या प्रिंसिपल लेटर वो मिल जाएगा, देन विद इन 6 मंथ आपको अपॉइंटमेंट लेके जमा करना होता है VFS के लिए, और हम उसके लिए प्रॉपर फाइल बनाते हैं। जैसे ये हमारे पास में आए थे,
जिसमें हम अपॉइंटमेंट भी लेते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट्स, कवर लेटर, आइटनरी बनाते हैं आपका अगर चाहिए तो, वैसे वर्क में आइटनरी नहीं चाहिए होता, एंड आने जाने का टिकट वगैरह, फॉर्म वगैरह, ये सारी चीज़ें कंप्लीट आपको फाइल बना के देंगे। आपने यहाँ से फाइल उठाना है, BFS में जमा करना है, दैट्स इट, इतना आपका काम होता है। वहाँ पे जाने के बाद में एम्बेसी फीस 80 यूरो, 480 दिरहम्स पे करना है आपको। एक दो बेली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जनरल नहीं भी पूछे आपसे कोई पूछा नहीं, कुछ सवाल नहीं पूछा। वर्क परमिट के लिए, विजिट के लिए शनिगन में कोई भी इंटरव्यू नहीं है। वर्क परमिट के लिए बेसिक 1-2-4 क्वेश्चन होते हैं, दे माइट आस्क यू बट यूजली नहीं पूछते, इनसे कुछ भी नहीं पूछा था। तो ये है उनका सीन जो VFS के अंदर आपके साथ में होने वाला है। आफ्टर 15 to maximum 21 days यू विल रिसीव योर पासपोर्ट, इसको खोलने के बाद में आपको पता चलता है वीज़ा मिला है या क्या सीन है। तो ये है वीज़ा, ये है पूरा डिटेल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, ताकि कभी भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आप भी जाना चाहते हो शेंगेन के अंदर, चाहे वो विजिट है या वर्क है, किसी भी कंट्री का वीज़ा आपको चाहिए, वी आर डीलिंग फॉर ऑलमोस्ट ऑल द शेंगेन 26 कंट्रीज। अपार्ट फ्रॉम दिस हम US, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लिए भी वीज़ा अप्लीकेशन करते हैं, वो किसी भी कैटेगरी का वीज़ा हो। फॉर फ्री कंसल्टेंसी आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हो। वी आर ओपन फ्रॉम मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग 11 to 3 एंड देन 4:30 to 9। अगर मेरे से आपने पर्सनली मिलना है तो 1 या 2 दिन पहले एटलीस्ट कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आ जाओ, ताकि आपको मैं प्रॉपर टाइम दे सकूं। वॉक इन में आओगे तो देर इज़ नो गारंटी कि मैं अवेलेबल मिलूंगा भी या नहीं मिलूंगा, आपको यहाँ पे कितना वेट करना पड़ेगा। तो ये है पूरा सीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करो। आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो। थैंक यू।